नमस्कार, आप सभी का जवाहर कला केंद्र की ओर से मैं आकांक्षा जोशी स्वागत करती हूं आज के ऑनलाइन लर्निंग चारकोल पेंटिंग के सेशन में। आज हमारे साथ है सवाई माधोपुर से चारकोल पेंटिंग एक्सपर्ट विजय कुमावत सर। आपका स्वागत है सर। आप एक चित्रकार होने के साथ साथ वन्य जीव फोटोग्राफर भी हैं। वर्तमान में आप रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में नेचर गाइड के रूप में कार्यरत हैं। वन्य जीव चित्रों के माध्यम से वन्य जीव संरक्षण के लिए किए गए आपके 18 वर्षों के योगदान के लिए 2019 में 70वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री राजस्थान सरकार श्रीमती ममता भूपेश जी और जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर डॉक्टर एसपी सिंह जी द्वारा आप सम्मानित। आइए चलते हैं सवाई माधोपुर विजय कुमावत सर के पास चारकोल पेंटिंग के ऑनलाइन सेशन। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय कुमावत है, मैं सवाई माधोपुर का रहने वाला हूँ। और मेरा जो सब्जेक्ट है पेंटिंग करने का, जो मेरा मीडियम है वो है चारकोल। चारकोल के बारे में आप सभी वाकिफ हैं कि चित्रकारी करते वक्त कितने तरह के मीडियम या माध्यम आप काम में लेते हैं, जैसे ऑयल कलर है, पेस्टल है, वाटर कलर है और चारकोल। चारकोल के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि चारकोल को जो पहले आदि मानव है वो जब चित्रकारी करते थे तब इस तरह के संसाधन नहीं हुआ करते, जो मैंने आपको अलग अलग माध्यम के बारे में बताया। तो उस वक्त क्या होता था कि जब वो आग जलाते थे तो आग जलाने पर जो लकड़ी काम में आती थी या आग जलाने के बाद जो लकड़ी होती थी वही कोयले का काम करती थी, और उसी कोयले से या उसी स्टिक से वो दीवारों पर सेल चित्र जो बोलते हैं, जो रॉक आर्ट होती है, वो बनाया करते हैं। उसके बाद वो लकड़ी है उसको, उसकी जो फॉर्म है वो बदलते 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 एक कंप्रेस्ड चारकोल के रूप में, एक फाइन चारकोल के रूप में जो मार्केट से खरीद सकते हैं। तो मेरे जो अपनाने का जो मकसद है वो चारकोल को, कि चारकोल एक तो आपको आसानी से कहीं भी उपलब्ध होता है। मैं जो चारकोल बनाता हूँ मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मैं कभी भी मार्केट से चारकोल नहीं खरीदता, या मेरे जो मीडियम्स हैं जैसे ब्रशेज हैं वो मैं कभी मार्केट से नहीं खरीदता। एक फाइन क्वालिटी का जो पेपर है मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर, ये अच्छी क्वालिटी का जो ड्राइंग पेपर है ये पेपर में काम में लेता हूँ। और उसके अलावा ये जो चारकोल आप देख रहे हैं, जिसको चारकोल ना कहकर मैं कहूंगा सूत। सूत वो है जो पुराने जमाने में गाँव के अंदर जब दादी नानी खाने का जो तेल है कुकिंग ऑयल उसका दीपक बनाकर वो जलाया करती थी। तो जैसे इस पर दीपक जलाया, इसके अंदर बीच में एक बत्ती लगाई और ऊपर से उसको कवर कर दिया। 2 से 3 घंटे में आप जब इसको कवर करेंगे ऊपर से, तो आप देखेंगे कि ऊपर वाले जो ढक्कन है मिट्टी का उसके अंदर चारकोल बनना स्टार्ट हो जाता है। मार्केट में मिलने वाला चारकोल और घर में बनाया हुआ चारकोल, इसमें सिर्फ ये फर्क है कि मार्केट में जो आप चारकोल लेंगे उसमें काफी सारा आपको शायद थोड़ी सी मिट्टी कंकर ये महसूस होगा, लेकिन ये चारकोल मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बिल्कुल फाइन है, देखिए बिल्कुल फाइन है। और जब आप इसको पेपर पर या किसी कैनवास पर अप्लाई करेंगे तो बिल्कुल आपको स्मूथनेस या आप कह सकते हैं कि मैट फिनिश वाला फीलिंग आएगा। इस चारकोल के साथ साथ मैं आपको वापस से लेके चलूंगा, जो मेरा ब्रश है वो ना कोई ब्रश या पेंसिल ना होकर एक ये अखबार, ये जो मेरा न्यूज़पेपर है पुराना न्यूज़पेपर, ये मैं काम में लेता हूँ और ब्रश बनाने के लिए मैं इसी न्यूज़पेपर को काम में लेता हूँ। अब ब्रश कैसे बनाया जाता है कि आप सोचेंगे कि एक अखबार के टुकड़े से पेंटिंग कैसे बनती है, जबकि मार्केट में काफी सारे ब्रांडेड पेंसिल्स हैं, महंगी महंगी पेंसिल्स हैं और काफी सारे ब्रशेज हैं, स्टम्प्स हैं, वो मैं सब काम में लेता हूँ, लेकिन जो मेरा जरिया है जो बेसिक है वो सिर्फ एक ये कागज का टुकड़ा है जो मुझे कहीं भी आराम से मिल सकता है। अब इसको बनाने का, ब्रश बनाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि बचपन में मैंने भी और आप सब ने भी पेपर प्लेन्स बनाए, हवाई जहाज जो कागज के बनाए, सेम उसी तरह ही ये ब्रश बनकर तैयार होता है। अब आप देखिए, ये मैंने पूरा पेपर पकड़ा क्योंकि मैं भी छोटी पेंटिंग बनाना स्टार्ट करूंगा तो मुझे छोटा ब्रश चाहिए। आप जब बड़ी पेंटिंग या बड़े पेपर या बड़े कैनवास पर काम करते हैं तो बेशक आप
10 नंबर 12 नंबर या उससे बड़े फ्लैट ब्रशेज या राउंड ब्रशेज काम में लेते हैं। छोटी पेंटिंग के लिए छोटा ब्रश, ये छोटा सा टुकड़ा है कि मैंने या देखिए काफी सारे पेपर को काट के रखा हुआ है जो रद्दी पेपर है, लेकिन अब ये मेरे बहुत काम का है। इस पेपर को मैं फोल्ड करूंगा, एक इसको प्रेस करेंगे ऐसे, दो, फिर एक बार और करेंगे तीन, और ये ऐसा ये चौकोर सा ये फ्लैट सा बन जाएगा। उसके बाद जो ये पॉइंट है ऊपर का, इस पॉइंट को पकड़ेंगे और हवाई जहाज जो बनाते थे पहले इसको फोल्ड करके, और ये मेरा ये ब्रश तैयार, पॉइंटेड ब्रश। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा एक बार वो, इस जगह मैंने अपने ड्राइंग बोर्ड बोर्ड के पास में एक खराब सा पेपर और एक हल्का सा रफ स्केच बना हुआ है, ताकि इस पे जो पॉइंट बनाया है मैंने, ये किस पॉइंट को मैं इसका हल्का सा घिसकर और इसकी जो शार्पनेस है उसको मैं खत्म करूँ। उसके बाद इस चारकोल में मैं इसको डिप करूंगा सूत के अंदर, और डिप करने के बाद आप देखेंगे बिल्कुल फाइन तरीके से। एक बात और मैं याद दिला दूं आपको कि चारकोल जो पेंटिंग है उसका जो बेसिक है वो बिल्कुल वाटर कलर की तरह, पहले लाइट और फिर आपको जरूरत पड़े उसके हिसाब से आप उसको डार्क करते जाइए। दूसरा चीज ये है कि अगर आप राइट हैंडर हैं तो आप हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि कई बार होता है कि इस मीडियम को काम में लेने पर ये उड़ता है हवा हवा से, और आपको ये भी पता नहीं चलता कि आपका पेपर या आपका कैनवास कब खराब हो, बिल्कुल फाइन होता है, आंखों से दिखाई नहीं देता उड़ने के बाद। तो मैं आपसे कहूंगा कि एक पेपर का टुकड़ा आप अपने राइट हैंड पे नीचे रख लीजिए, ताकि आपका ड्रॉइंग आपने जो बनाया है वो खराब ना हो। अब चलते हैं, आइए देखिए, ये मैंने इसको लिया है, इसमें डिप किया है, और डिप करने के बाद ये मैंने लकड़ी का जो एक तना होता है उसकी ड्रॉइंग मैंने ये स्टार्ट की। इस पेंटिंग को वैसे बनाना बहुत आसान है, लेकिन मैं इसका तरीका मैं आपको बता दूं। जैसे ऑयल कलर्स हैं या फिर एक्रेलिक कलर्स हैं, एक्रेलिक कलर बहुत जल्दी सूखते हैं, वाटर कलर बहुत जल्दी सूखते हैं, तो इस पेंटिंग को बनाने का मकसद ये है सर कि टाइम इसमें बहुत लगता है, पेशेंस की बात है, आप अपने आप के अंदर पेशेंस रखिए और सिर्फ शेड एंड लाइट से आप खेलिए। अब आप देखिए कि जैसे ये उड़ रहा है आपको इसको टच करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप इसको हल्का सा ऐसा फूंक मार के साइड में कर सकते हैं, और ये मैं इसको आपको सिर्फ एक रफली, क्योंकि एक बड़ी साइज की पेंटिंग बनाने में बेशक बहुत टाइम लगता है, इसलिए सिर्फ मैं आपको एक तरीका इसको काम में लेने का कि एक पेपर के टुकड़े से और एक चारकोल जो आप आसानी से घर में बना सकते हैं, आपको ऐसा नहीं कि आपको जब पेंटिंग करने की इच्छा हुई या फिर खासतौर पे जो लर्निंग स्टूडेंट्स हैं उनको लगता है कि मुझे चारकोल में काम करना चाहिए, लेकिन मेरे पास ना तो कुछ ऐसे मीडियम थे जिनसे मैं मार्केट में जाकर जिनको खरीद सकूँ, वो आसानी से ये घर पर अपनी मम्मी या नानी या दादी को बोलकर उनको आप थोड़ा सा इशारा देंगे वो समझ जाएंगे कि चारकोल में चारकोल आखिर होता क्या है। इससे आप ये टेक्सचर्स दे सकते हैं। देखिए आप किस तरह से, पहले मैंने इसको एक लाइट रूप में बिल्कुल हल्की हल्की टोन, ये एक्चुअली ये जो आप जो सब्जेक्ट देख रहे हैं ये पेड़ का टूटा हुआ तना है जो ये नीचे जमीन पर पड़ा हुआ है, ये इस तरफ से ये नीचे का पार्ट है, ये ऊपर का पार्ट है, इस तरफ इसकी शाखाएं जो निकल रही हैं वो, तो इसको मैं अभी बनाने जा रहा हूँ, और अब देखिएगा कि किस तरह से ये निकलकर सामने आता है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, एक आप उत्सुकता होगी कि इतना धीरे धीरे काम कैसे होता है या फिर कैसे ऐसे लोग कर पाते हैं। आप देखिए चारकोल के अलावा इस मिनिएचर पेंटिंग भी बनती है जिनको बनाने में कई महीने लगते हैं। मैं आपको थोड़ा सा मेरी कंप्लीट पेंटिंग की तरफ लेके चलता हूँ। देखिए
काली मुंह का जो बंदर है, दो तरह के बंदर होते हैं, लाल मुंह और काला मुंह। ये हनुमान नकुर जो अक्सर आपको जंगल के आसपास या जंगलों में आपको देखने को मिलते हैं। इस पेंटिंग के अंदर मैंने इसी तरीके से अखबार की निब से पूरा काम किया है। इसमें ना कोई पेंसिल को मैंने काम में लिया है, ना कोई इरेजर काम में लिया। मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि आप कम से कम इरेजर का काम में लें और इस तरह से आप ये पेंटिंग ऐसे ड्रॉइंग्स बना सकते हैं। मैं वैसे तो ज्यादा वाइल्ड लाइफ पर काम करता हूँ, लेकिन आप इस मीडियम से सभी तरह की पेंटिंग या सभी तरह के जो सब्जेक्ट से बना सकते हैं, चाहे वो मॉन्यूमेंट हो, चाहे वो स्ट्रीट लाइफ हो, या फिर कोई पोर्ट्रेट हो, वाइल्ड लाइफ हो, आप जो भी चाहे एब्स्ट्रैक्ट आर्ट हो, ये आराम से इसको बना सकते हैं। आप देखिएगा कि जैसे मैं इस ब्रश को मैं काम में ले रहा था, ये ब्रश मेरा काम करना बंद कर दिया था। मतलब कि जो मुझे इससे जो निकल चाहिए था वो मिलना बंद हो गया, ये मेरे लिए खराब हो चुका। उसी तरह से फिर मैंने वापस दूसरा ब्रश लिया और उसी को वापस लिया इसका, और मैंने ये मेरा जो मकसद है आपको ये सब बताने का, जवाहर कला केंद्र के माध्यम से जिन्होंने मुझे आज के सेशन के लिए इनवाइट किया है ऑनलाइन लर्निंग सेशन के लिए, वो ये है कि आप किस तरीके से चारकोल या फिर पेंसिल जो ड्राइंग है उसका या उसके द्वारा आप कैसे शेडिंग टेक्सचर्स सीख सकते हैं, अपनी पेंटिंग्स में उसको बना सकते हैं। ये एक बहुत छोटा सा एक डेमो है आपके लिए, क्योंकि ये भी आपको पता है कि एक जब कोई पेंटिंग हम बनाने जाते हैं तो उसमें कितने तरह के एफर्ट्स, शेड लाइट का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक ये हल्का सा एक ड्राइंग बना रहा हूँ टूटे हुए पेड़ का, जो आपके सामने ही निकल कर आएगा। इसके बाद हम चलेंगे जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, वाइल्ड लाइफ आर्ट। तो वाइल्ड लाइफ आर्ट में जो मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है वो है टाइगर, क्योंकि मैं सवाई माधोपुर का रहने वाला हूँ और यहाँ पैदा होने के बाद से लेकर मेरे जीवन में वाइल्ड लाइफ का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो पेड़ों से और प्रकृति से और जंगली जानवरों से मुझे बहुत खास लगाव है। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा एक ये स्टंप्स भी काम में ले सकते हैं, या फिर आप चाहें कि आपको लगता है कि इतनी छोटी ब्रश से कब तक इतना बड़ा पेंटिंग काम में लेंगे, तो आप बड़ा अखबार लेकर, बड़ा न्यूज़पेपर लेके उसको मल्टीपल टाइम्स फोल्ड कर सकते हैं। जैसे बड़ी पेंटिंग बनानी है, आपके पास बड़ा कैनवास है, अब आपको लगता है कि कितने से ब्रश से कितनी बड़ी पेंटिंग कैसे बनेगी और कितने दिन में बनेगी। तो मैं कहना चाहूंगा कि न्यूज़पेपर की एक लंबी साइज होती है, बड़ा पेपर होता है, तो आप जितना फोल्ड करेंगे और जितना मोटा बनाना चाहेंगे, आप अपने स्ट्रोक्स के अकॉर्डिंग उस न्यूज़पेपर के को फोल्ड कर वो बना सकते हैं। अब मैंने ये मार्केट में जो स्टंप्स मिलते हैं पेपर स्टंप्स, उसको मैं थोड़ा सा काम में लूंगा टेक्सचर के लिए। दूसरा तरीका कि कई बार कई सेशंस में जो मैंने पार्टिसिपेट किया है या फिर क्लासेस ली हैं, उसमें ये सामने आया है कि कलर फोटोग्राफी या कलर पेंटिंग में शेड एंड लाइट का आराम से पता लग जाता है कि कौन सा कलर लाइट है, कौन सा कलर डार्क। लेकिन कई बार ये सवाल आते हैं स्टूडेंट से भी कि एक ब्लैक एंड व्हाइट पेंटिंग में पता कैसे लगता है कि कौन सी चीज़ लाइट है और कितने शेड्स हैं। ऐसा नहीं कि एक चीज़ लाइट है, एक चीज़ डार्क है, उसमें मल्टीपल शेड्स होते हैं जो आपको दिखाई नहीं देते कि कौन सी चीज कितनी डार्क है और कौन सी चीज को कितना डार्क करना है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब आप किसी चीज को देखते हैं या लाइव बना रहे हैं आप, या फिर कोई पेंटिंग या कोई रेफरेंस आप बना रहे हैं, उस रेफरेंस को लेकर अपने हाथ से थोड़ा सा दूर रखकर ऐसे, और अपनी आंखें अधमुनी जो होती है, मतलब आधी आंखें बंद करके और उस फोटो को आप देखिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ
कि आपको ये मदद करेगा कि वास्तव में आपको शेड एंड लाइट दिखने लगेगी कि कौन सी चीज कितनी डार्क है और कौन सी चीज कितनी लाइट है। तो आप फिर से एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी आंखें, आप अधूरी आंखें, जैसे कि हल्की सी आंखें बंद करके आप सब्जेक्ट को देखिए। अगर आप अभी मुझे जो ऑनलाइन है मुझे देख पा रहे हैं, आपके आसपास अगर कोई चीज है, आपके रोशनदान से अगर रोशनी आ रही है तो आप एक बार ट्राई कीजिए और आप जो भी आपके सामने चीज है उसको आप देखिए एक बार। मैं आपको टेक्निक्स के बारे में बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल तो मैं बता ही रहा हूँ लेकिन टेक्निक्स की आपको शेड एंड लाइट आप कैसे कैप्चर कैसे देख सकते हैं। तो आपके आसपास खिड़की से या विंडो से या आपकी बालकनी में से जो भी रोशनी आ रही है आप एक बार अपनी आंखें बंद करके, आपके सामने आपके चाहे पापा बैठे हो चाहे फैमिली कोई भी मेम्बर बैठा हो, आप उनको देखिए आपको उनके चेहरे पर कितने शेड्स हैं वो आपको आसानी से दिखाई देंगे। एक तरीका ये है शेड एंड लाइट पकड़ने। कई बार चारकोल में पेंटिंग करते वक्त आपको लगता है कि मेरा जो कैनवास है या फिर मेरा जो पेपर है वो एकदम खराब हो गया। देखिए अब मैं आपको नीचे बता रहा हूँ, देखिए तो आपको लगता है कि मेरा जो पेपर है वो गंदा हो गया। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो क्योंकि जब आप कुछ करेंगे तभी आपको एहसास होगा कि मैं कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। क्योंकि जब आपके पेंटिंग पे थोड़े से धब्बे लगेंगे, आपके कपड़ों पे लगेंगे, आप जो चीज बना रहे हैं वहां पर कुछ कलर लगाते वक्त या चारकोल लगाते वक्त हल्का सा अगर गंदा हो गया तभी आपको एहसास होगा कि मैं कुछ बना सकता हूँ। अब मैं थोड़ा सा जो ये पेड़ का तना जो नीचे जमीन पर गिरा हुआ है उसको मैं थोड़ा सा नीचे इसके बॉटम में जितने जितना भी पार्ट है इसका बॉटम का उसको मैं हल्का सा शेड कर रहा हूँ ताकि इसमें हल्का सा एक 3D इफेक्ट सा नजर आए। कोई चीज जब जमीन पे रखी हुई होती है तो कई बार आपको कहीं ना कहीं से उसको रोशनी दिखाई देती है और आपको ये एहसास होता है कि ये चीज जमीन पर टिकी हुई है। यह भी एक लेयर, फर्स्ट लेयर है जो मैं बना रहा हूं इसमें। जब एक बार आप बनाने लगते हैं या बनाने के बाद या बनाने के दौरान आपकी शीट पर या आपके कैनवास पर कई बार आपके उंगलियों के निशान आ जाते हैं तो आपको उससे बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बस हल्का सा फूंक मारकर उस चारकोल को साइड में कर सकते हैं या फिर जो उंगली के निशान लगे हैं उसको आप वैसे के वैसे रहने दीजिए। जैसे इस पेंटिंग में आप देखिए, नीचे देखिए, आपको कई बार लगेगा कि मेरा हाथ या उंगलियों के निशान इस पर लगे हैं लेकिन मुझे पता है कि मैं ये सारे निशान साफ कर सकता हूँ। तो आपको उन स्पॉट्स को या फिर जो आपके जो फिंगरप्रिंट्स के निशान लगे हैं उनको बिल्कुल भी छेड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप देखिए अच्छा सा फाइन इरेजर लेके और उसको आप साफ कर सकते हैं। ये सिर्फ अभी बेसिक है, इसके बाद एक टोन और आएगी जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि टेक्सचर और बेस के बाद उसके पेट के अंदर कितने तरह के टेक्सचर होते हैं, किस तरह के किस किस जगह फॉल बनाया जाता है। आप ये आप देख पा रहे होंगे कि
मैंने देखे थोड़ी देर पहले ये जो मेरा जो टूल था मैंने इसको पैन की तरफ पकड़ा हुआ था टेक्सचर देने के लिए, अगर मुझे ब्लेंड करना है तो ब्लेंड करने के लिए मुझे इसको हल्का सा टेपर देकर प्लेन पकड़ना है पिक्सल का था ये, और इसके बाद इसको मैं फैलाना स्टार्ट करूँगा। ये बेशक बहुत समय लेने वाली आर्ट है, आपको इसका समय देना पड़ेगा अगर इसको आपको अगर आगे फ्यूचर में अगर आप इस मीडियम को काम में लेना चाहते हैं। और हो सकता है कि अदर मीडियम में जैसे आप काम करते हैं तो कम से कम आपके हाथ या आपके कपड़े या फिर आपके आसपास की जो जगह कम गंदी होती है, क्योंकि सब वो लिक्विड होता है, आप उसको गिरने से या गंदे होने से मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन चारकोल बिल्कुल एक ड्राई फॉर्म का होता है, इसको लगाने के बाद ये आपके पेपर पर या आपके कैनवास के ऊपर आपको दिखाई देगा। लेकिन लास्ट मोमेंट पर पेंटिंग बनने के बाद आप उसको साफ या कंट्रोल कर सकते हैं। और ये मीडियम जो आपको मैंने बताया तरीका कि ये आपको कहाँ कहाँ से मिल सकता है, कई बार सवाल आते हैं कि एक फाइन क्वालिटी का चारकोल हमें कैसे मिलेगा। तो स्टार्टिंग में जो आपको बताया था कि मार्केट से आप ले सकते हैं, लेकिन कई बार मार्केट में आपको वो चारकोल नहीं मिल पाता जो आप लेना चाहते हैं, क्योंकि तो आपकी अच्छी और बेस्ट पेंटिंग सिर्फ एक अच्छे मीडियम पर डिपेंड करती है कि आपके पास एक फाइन क्वालिटी का बेस हो, कैनवास हो, पेपर हो। मैं आपको एक छोटा सा पेंटिंग करते वक्त आप जब तक पेंटिंग पे भी नीचे देखिए आपको मैं टेक्सचर्स कैसे दे रहा हूँ और आप मेरी आवाज़ सुनेंगे साथ साथ कि 2016 में जब मेरा एक टेम्पररी स्टूडियो जयपुर में था तो उस वक्त में एग्जीबिशन के लिए अब पेंटिंग तैयार कर रहा था। तो पेंटिंग तैयार करते करते किसी तरह का बाउल था मेरे पास, तो जब मैं अचानक रात को 1-1.5 बजे करीब जब उठ के और थोड़ा सा अपनी जगह चेंज करी मैंने, तो मेरी ही गलती से उस मिट्टी के बाउल पर मेरा पैर लग गया, वो टूट गया। और बदकिस्मती से मेरे पास उस वक्त सिर्फ वही चारकोल या सूट बचा हुआ था, तो मैं बिल्कुल थोड़ा सा एक बार तो चिंतित हुआ कि अब मेरे पास चारकोल नहीं है, मुझे सुबह अहमदाबाद के लिए पेंटिंग लेकर निकलना है। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि जब मैं ये चारकोल बना सकता हूँ या सूट ये बना सकता हूँ तो मेरे पास एक सोर्स और है जो मैं इस चारकोल को या सूट को कलेक्ट करने के लिए ले सकता हूँ, और वो था डीजल व्हीकल्स में निकलने वाला साइलेंसर पर निकलने वाला धुआं। ट्रक या बसेस जो डीजल व्हीकल्स होते हैं उनके साइलेंसर में आपको काफी सारा चारकोल जमा हुआ मिल जाएगा। आप एक बार उसमें अगर एक स्पून डालेंगे और आपको कम से कम एक बड़ी टीस्पून से आप कम से कम बड़ी साइज की 1 से 2 या 3 पेंटिंग बना सकते हैं। तो उस वक्त मुझे अच्छी तरह याद है मैं रात को अपने घर से निकला और घर से थोड़ी सी दूर पर मैंने मेन रोड पर एक बजरी मंडी के पास मैंने डीजल बसेस और ट्रक्स को ढूंढना स्टार्ट किया। मुझे एक ट्रक रात को खड़ा हुआ दिखाई दिया, मैंने जो ड्राइवर था उससे परमिशन लेकर मैंने बोला कि मुझे थोड़ा सा चारकोल या आपके जो डीजल चाहिए चाहिए, तो उससे मुझे परमिशन दी निकालने की और मैंने 2 टीस्पून से पूरा मेरा जो डिब्बा था वो मैंने भर दिया और घर आकर मैंने रात को 2 बजे अपनी जो अधूरी पेंटिंग थी उसको मैंने स्टार्ट किया। तो आप जैसे आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं और आपके पास ये सब चारकोल नहीं है तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप घर से निकलिए, एक अच्छा फाइन क्वालिटी का ड्राइंग पैड अपने पास रखिए और
न्यूज़पेपर आपको आसानी से मार्केट में या कहीं भी ट्रेवल करते वक्त आपको ये मिल जाएगा। तो कोई भी ट्रक या बसेस के साइलेंसर में से आप इसको निकाल कर आप उस वक्त अपनी पेंटिंग या ड्राइंग या जो भी आप लाइव स्केच करना चाहते हैं उस वक्त कर सकते हैं। देखे कि किस तरीके से फिर वापस मैंने इसको हल्का सा और शेड, जब आप इस तरह की कुछ चीजें बनाते हैं या पेंटिंग बनाते हैं तो कभी भी वो चीज आपको कंप्लीट नहीं दिखाई देगी कि आप कुछ कोई चीज पेंटिंग बना रहे हैं और पेंटिंग बनाते हो तो आपको लगता है कि क्या ये बन चुकी है, लेकिन आप जब उसको एक आर्टिस्ट के रूप में देखेंगे कि इसमें अभी क्या क्या बाकी है, आपको उसके अंदर काफी सारी चीजें दिखाई देंगी जो उस पेंटिंग की डिमांड है, इसमें चीज मैं ऐड कर सकता हूँ। या फिर आप पेंटिंग करते वक्त थोड़ा सा देख लें, अपनी पेंटिंग से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर उसको एक बार, जब भी आप रियलिस्टिक पेंटिंग या कोई ड्राइंग बना रहे हैं उस रेफरेंस को काम में लीजिए और रेफरेंस को अपने पास रखकर मोबाइल या प्रिंट आउट से उस चीज को मिलाइए कि आपने कितना उसको सिमिलर बनाने की कोशिश करिए। क्योंकि कई बार होता है कि आप कंटिन्यू पेंटिंग करते हैं तो वो फोकस जो आप रखना चाहते हैं पेंटिंग पर वो नहीं हो पाता, ये मेरा पर्सनल जो मैं आपको बता रहा हूँ और हो सकता है ये सबके साथ होता हो ऐसा। तो आप जब अपने स्टूडियो में या घर पे या ईजल पे या टेबल पर जैसे भी काम कर रहे हैं तो उस पेंटिंग से थोड़ी सी डिस्टेंस बनाकर उसको फिर आप ऑब्जर्व कीजिए कि इस चीज में क्या क्या कमी है। कई बार होता है कि आप कंटिन्यू पेंटिंग कर रहे हैं और आपको लगता है कि सब विशक्त हो गया, सब या तो बिगड़ने लगा, जैसे स्टूडेंट्स कई बार आते हैं कि सर सब कुछ बिगड़ जाता है, समझ में नहीं आता। तो मेरा उनसे यही है कि आप अपनी पेंटिंग को ब्रेक दीजिए, ऐसा नहीं कि आपको एक ही दिन में पूरी पेंटिंग बनानी है और अगले दिन दोस्तों से या फिर सोशल मीडिया पर शेयर करना है। आपने देखो कई बार क्योंकि बड़ी बड़ी पेंटिंग बनती है तो लोग उसको 20 से 25 दिन, महीने भर, 2 महीने, 3 महीने और 5-5 महीने पेंटिंग को देते। तो आपसे मेरा यही है कि बस आप जब पेंटिंग बनाएं उसको टाइम दीजिए, जितना आप टाइम देंगे उसको आप उसको जितना आप उसके अंदर डूबना चाहेंगे, जितना आप डूबेंगे आप उतना ही उसके अंदर जा पाएंगे। अपनी पेंटिंग को देखिए, निहारिए कि वो कैसी बनी है अब तक, आपके पिछले 10-15 दिन की जो मेहनत या 2 या 5 दिन की मेहनत है कितनी साकार हुई है। तो जल्दबाजी ना करें और बिल्कुल उस चीज को टाइम दें, और टाइम देंगे तभी आपके पास एक अच्छी तरह की पेंटिंग आपके कलेक्शन में आ पाएगी। मुझे अच्छी तरह याद है कि जैसा कि इंट्रोडक्शन बताया था कि 18 साल मुझे इस मीडियम को काम में लेते हो गए, मुझे चारकोल से बहुत प्यार है, मैं और भी तरह के सब्जेक्ट्स पे काम या मीडियम्स पे काम कर सकता हूँ लेकिन चारकोल मेरा सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट है। जैसे आपकी कोई चीज होती है सबसे फेवरेट, तो चारकोल मेरा सबसे फेवरेट है और मुझे हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देती है। जैसे मैं अभी एट प्रेजेंट में रणथंभौर में एज ए नेचुरलिस्ट मैं जब जाता हूँ तो मेरा जो टारगेट होता है कोई भी फोटो का या फिर टाइगर को देखने का, तो सबसे पहले मैं उसको कैमरे में कैप्चर करके लैपटॉप या मोबाइल के थ्रू उस चीज का मैं को कन्वर्ट करता हूँ, ये चीज ब्लैक एंड व्हाइट में कैसे दिखाई देगी। देखिए हल्का सा मैं इस पे टेक्सचर का, जैसे आप इरेजर काम में ले सकते हैं, मेरे पास एक ये इलेक्ट्रिक रेजर है, ये बहुत आसान है, इसको आप यहाँ से प्रेस कीजिए और आप ये इसमें ट्रैक्टर
आप जब कई बार इरेजर का काम में लेते हैं, आपके आसपास की जो पेपर या शीट पर जो कई बार उंगलियों के निशान लगते हैं, जैसे मैं देखे आपके यहाँ पर साफ कर रहा हूँ, तो कई बार आपके सवाल आते हैं कि शीट गंदी होती है, लेकिन कई लोग जो सीखते हैं या बनाते हैं वो क्या करते हैं, इरेजर को सीधा काम में लिया और सीधा हाथ से करते हैं, जबकि मेरा सजेशन ये है कि आप इस तरह की कोई रुई या कॉटन ले सकते हैं और उससे आप इसको ये साफ कर सकते हैं। अब हम इस पेड़ के नीचे, क्योंकि मेरे छोटा सा डैम होता है, इसके बाद हम सीधा वाइल्ड लाइफ करेंगे। ग्रास जो बनती है नीचे पेड़ के जो आसपास जमीन या फिर जो नीचे ग्रास होती है वो कैसे बनाई जाती है, या आप ऐसा कॉटन का या रुई का टुकड़ा देखकर उसको हल्का सा डिप करेंगे, डिप करने के बाद हल्का सा साफ करके और यहाँ पर आप ये क्योंकि ये ड्राइंग जो मैंने छोटी सी आपके सामने बनाने की कोशिश की है, ये इस शेड के बिना अधूरी है। और इसके बाद फिर इस तरह से इरेजर को आप काट सकते हैं चार कुछ सावधानी से, और ये नीचे हल्का से इसमें ग्रास का टेक्सचर में इसमें ये एक मेरा छोटा था। अब चलते हैं थोड़ा सा वाइल्ड लाइफ की तरफ कि कोई चीज बनाते वक्त, चाहे वो ह्यूमन पोर्ट्रेट हो या फिर कोई फिगर हो, उसमें जो सबसे मेन अट्रैक्शन होता है वो होती है आंखें, क्योंकि आंखों के बिना मेरे ख्याल से कोई भी चीज अधूरी है, चाहे वो वाइल्ड लाइफ हो चाहे वो इंसान। तो मैं वापस उसी टेक्निक को वीडियो को काम में लेते हुए फिर मैंने नया ब्रश बनाया, तो नया ब्रश बनाने के बाद फिर मैंने वापस उसी का पॉइंट खत्म करके और मैंने इसको ये किया। देखिए आप जैसे मेरी शीट के आसपास से गंदी है उसको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप इस तरह से ये पेपर ये मैं हाथ के नीचे रख सकता हूँ। और देखिए ये जो टूल है, ये जो कागज का टुकड़ा है, ये एक फाइन पेंसिल की तरह चल सकता है। इस चारकोल को, इस सूत को काम में लेने का सिर्फ मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करूंगा, जब आप इसको काम में लेंगे तो आप मार्केट में जो मिलने वाले जितने भी चारकोल हैं, चाहे कंप्रेस चारकोल हो, चाहे पाउडर हो, चाहे पेंसिल हो, क्योंकि चारकोल पेंटिंग बनाते वक्त सबसे जो खास जो ख्याल रखा जाता है वो है ड्राइंग। ड्राइंग बेशक आपने बहुत अच्छी बनाई है, लेकिन ड्राइंग बनाते वक्त जो आप पेंसिल काम में लेते हैं उसमें जो ग्रेफाइट की चमक होती है कई बार वो पेपर पर दिखाई देती है, तो अक्सर
अक्सर कहा जाता है कि जब आप कोई चीज बनाते हैं या बनाते वक्त आप चारकोल अप्लाई करते हैं, तो आप यही कोशिश करें कि वो जो पेंसिल की जो ड्राइंग है, जो आपने पेंसिल से ड्राइंग बनाई है, वो कम से कम दिखाई दे, या सिर्फ आपको दिखाई दे कि आपने बनाया क्या। जैसे अभी आपको जो मैंने ड्राइंग की वो आपको नहीं दिखाई दे, लेकिन मुझे पता है कि मैंने क्या बनाया। तो आप कम से कम ये कोशिश करें कि वो सिर्फ आपको दिखाई दे, क्योंकि कई बार होता है कि आप चारकोल जब अप्लाई करते हैं तो आप कितना ही फाइन क्वालिटी का चारकोल लगाएंगे, लेकिन आपको वो जो पेंसिल का जो ग्रेफाइट है वो आपको वहां से नीचे से दिखाई देगा, वो आपको कहीं नहीं दिखेगा। आप फेस को हल्का सा टिल्ट करेंगे या थोड़ा सा मोड़ के या घुमा के देखेंगे तो आपको कहीं नहीं दिखेगा, पेंसिल के निशान अंदर से दिखाई देंगे। इसलिए मेरा सबसे सजेशन ये है चारकोल की ड्रॉइंग करते हुए कि आप कम से कम पेंसिल्स के निशान या पेंसिल के जो है वो कम से कम रखें। चाहिए देखिए, मैंने एक ये वापस से एक आंख जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक आंख कितना एक इम्पोर्टेंट जो रोल है वो प्ले करती है किसी भी फिगर में, मैंने सिर्फ जो आपको बताया है वो टेक्निक को काम में लेने का, क्योंकि इतने कम समय में, इतने जो कम समय में मुझे मौका मिला है आपको बताने का, उसका सिर्फ ये है कि मैं आपसे वो टेक्निक, वो तरीका, वो मीडियम मैं आपसे शेयर कर सकूँ। अभी मैं जो बस ये सिर्फ इसकी आउटलाइनिंग कर रहा हूँ, आउटलाइनिंग करने के बाद इसमें जो टेक्सचर जो काम में आते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जब आप इस मीडियम को जब काम में लेंगे तो आप सिर्फ इसी तरह न्यूज़पेपर का काम में को काम में लेना चाहेंगे, या फिर आप इसके साथ साथ जो काफ़ी सारे पेंसिल मार्केट में जो अवेलेबल हैं, यस पेंसिल चारकोल पेंसिल आप साथ में भी काम में ले सकते हैं। लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि अगर मैं अपनी पेंटिंग को बिल्कुल फाइन और स्मूथ बनाना चाहूँगा तो सिर्फ मुझे न्यूज़पेपर को ही काम में लेना होगा। इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि मैं सिर्फ अपनी ड्राइंग में, अपनी पेंटिंग में, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी छोटी हो, या उसकी साइज, या फिर उसमें कितने भी सब्जेक्ट हो, वो सिर्फ मैं किसी न्यूज़पेपर की हेल्प से वो मैं ले सकता हूँ। ये आँख का जो मैंने बताया आपको, आँख बनने के बाद अभी मेरा जो एक प्रोसेस में जो वर्क है ये लॉइन का, इसमें देखिए कि आप किस तरीके से मैंने पहले आउटलाइनिंग करके आँखें बनाएगी जो मैं यहाँ बनाने जा रहा हूँ। और फिर आँख बनने के बाद जो इसमें ये टेक्सचर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो पूरे टेक्सचर्स हैं, एक रियलिस्टिक ड्रॉइंग या पेंटिंग बनाते वक्त आप रेफरेंस को काम में लेकर आप इस तरह के टेक्सचर्स को फॉलो करते हैं।
टाइगर या वाइल्ड लाइफ के जो भी आप सब्जेक्ट हैं या फिर आपके जो फिगर्स हैं, पोर्ट्रेट्स हैं, आपको सिर्फ वही फॉलो करना है कि उसमें टेक्सचर्स कैसे हैं, कैसे स्ट्रोक्स आ रहे हैं और क्या लाइट आ रही है। अभी जो मेरा चल रहा है ये क्लोजअप बिल्कुल पोर्ट्रेट है लॉइन कब का, छोटा सा एक लॉइन कब है जिसको मैंने क्रॉप करके कंपोज करके और मैंने बनाने की कोशिश की है। अभी इसमें मैंने आप देखेंगे कहीं कहीं आपको नोज के ऊपर या इस तरफ आपको कहीं व्हाइट पार्ट सा ये लाइट हिस्सा दिखाई दे रहा है, तो सिर्फ मैंने उसको लाइट छोड़ा है, इरेजर का बिल्कुल भी काम नहीं है। जो चीज मुझे डार्क करनी है मतलब जिस जगह मुझे शेड करना है मैंने वहां पर ज्यादा चारकोल या सूट जो मेरा है उसको मैंने अप्लाई किया। कंप्लीट वर्क पर थोड़ा सा आते हैं, जो टाइगर्स की जो मेरे वर्क है ये देखिए आप, देखिए इस तरह का वर्क आप गोइंग का आराम से कहीं भी आसानी से बना सकते हैं। ये इस तरह से जो फिर टाइगर का जो पोर्ट्रेट होता है उसमें जो स्ट्राइप्स होती हैं उस स्ट्राइप्स को मैं आपके सामने बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि इस मीडियम को जब हम किसी न किसी रूप में जब काम में लेते हैं चाहे वो कितने भी बड़ी ड्रॉइंग हो या कितनी भी छोटी हो, इसमें आपको इसमें टाइम देना पड़ेगा कि कम से कम कि जब मैं इस 1/4 A4 साइज की जो पेंटिंग्स या ड्रॉइंग्स बनाता हूँ तो उनमें कम से कम 4 से 5 दिन मुझे इस साइज में लगते हैं जो आपको मैंने साइज दिखाई है, इनमें कम से कम 4 से 5 दिन का टाइम लगता है क्योंकि आपको पूरा वो रियलिस्टिक जो उसका जो टच है वो आपको उस अपने ड्रॉइंग में डालना पड़ता है। लेकिन अभी जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि कैसे ये टेक्निक काम में आती है, तो मुझे सिर्फ यहाँ पर अभी जो मिनट्स है वो उसको दिखाने के या फिर आपको वो टेक्निक समझाने के लिए मिले हैं। लेकिन आप ये टेक्निक को सीख कर आप देखिए आप थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए कि मैं कैसे टूल्स को काम में ले रहा हूं और फिर वापस इस तरह का एक ब्रश बनाकर अब आप देखिए कि मैं किस तरीके से वो जो टेक्सचर्स हैं जो आपको मैंने दिखाए थे अभी ये आँख के नीचे कुछ टेक्सचर्स जो हैं टाइगर की जो स्किन है फर है वो देने की कोशिश करो। आंखों के नीचे
टेक्सचर बनाए हैं। अब एक ही पेपर से कितने तरह के टेक्सचर्स, लाइनिंग्स और ये बना सकते हैं। अब ये मेरा वापस ये ब्रश फिर खराब हो गया, काम करना बंद कर दिया, तो मैं फिर से वापस एक पेपर का टुकड़ा लेकर और फिर उसको घिसा वापस, एक नया शार्प ब्रश ये मैं बस आपको ये बार बार सिर्फ इसी तरह के जो ब्रशेज हैं वो बनाने हैं और अपनी ये पेंटिंग में इस तरह की जो पेंटिंग बनती है इनमें काम में लेने हैं। आप चाहे तो इसमें पेंसिल भी काम में ले सकते हैं, जहाँ आपको लगता है कि ये जो न्यूज़पेपर का जो तरीका है वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है या फिर इस सरफेस पे काम नहीं करता, तो आप उस चीज़ में अपनी न्यूज़पेपर वाली जो पेंसिल वाली टेक्निक है वो भी आप काम में ले सकते हैं। इस तरीके से आप कुछ ड्राइंग्स बना सकते हैं।
बाकी जो फाइन ड्रॉइंग है जिसपे एक टाइम लगने पर जिसमें आप पूरा टाइम देंगे वो इस तरह की ड्रॉइंग बन सकती है, लेकिन जो टेक्निक है न्यूज़ पेपर को पेंसिल्स को और जो घर में बनने वाले चारकोल है वो आप किस तरह से बना सकते हैं, मैंने आपको की जो टेक्निक है वो बताई है। और इसको जो मेरा जो काम में लेने का जो सबसे बड़ा जो उद्देश्य या मकसद है वो ये है कि जिस जगह मैं रहता हूँ रणथंभौर में वहाँ पर शायद मुझे प्रकृति ने या नेचर ने एक मौका दिया है कि मैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन कर सकूँ आर्ट के थ्रू। तो जंगल के आसपास इतने सारे जो गांव हैं वो कहीं ना कहीं जंगल को नुकसान पहुंचाते हैं, या तो वो अपने जो कैटल्स हैं उनको जंगल में लेके जाते हैं या फिर कुकिंग के लिए या खाना पकाने के लिए लकड़ियां तोड़ते हैं। तो सिर्फ उनको ये बताने के लिए कि जंगल के साथ साथ टाइगर और जो वाइल्ड लाइफ है वो कंजर्वेशन के लिए या प्रकृति के लिए नेचर के लिए कितनी इम्पोर्टेंस है। तो जब हम उनको पेंटिंग के थ्रू जाते हैं उनके गांव-गांव जाते हैं और उनको एक मैसेज देते हैं कि देखो आप ना जंगल कितना खूबसूरत है, उसमें टाइगर है, अदर एनिमल्स हैं, और आप जहाँ रहते हैं गाँव के पास आप अपने कैटल्स को या आपको जंगल में काटने जाते हैं तो हम के जो बच्चे हैं क्योंकि वो अपने ही पेरेंट्स को फॉलो करेंगे कि उनके माता पिता या तो लकड़ी काटते हैं जंगल को नुकसान पहुंचाते हैं तो वो भी माता पिता के साथ जंगल में जाते हैं और वही काम करते हैं जो माता पिता करते हैं। तो हम उनके बच्चों को पेंटिंग सिखाते हैं लेकिन उनके पास एक फिर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि हमारे पास इतना या तो फाइनेंस सपोर्ट नहीं है फाइनेंशियल कि हम बच्चों को इतना सारा सामान दिला सके मार्केट से, कलर कैनवास ड्रॉइंग बोर्ड और ये। तो हम उनको बताते हैं कि आपको ये सब चीज़ें खरीदने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ मार्केट भी मत जाइए, आप एक अच्छी क्वालिटी का पेपर जो ड्राइंग पेपर आराम से बुक स्टोर पर आपको स्टोर पर मिल जाएगा 20-25 रुपए में, और अखबार पुराना अखबार हर घर में चूल्हा होता है, हर घर में लालटेन होती है, वो आप काम में ले सकते हैं। अब आपने जो मैंने आपको जो टेक्निक बताई है आपने इससे जो सीखा है वो आप या तो जो जवाहर कला केंद्र का जो फेसबुक जो पेज है उसके जो मैसेंजर पर आप अपने पूछ सकते हैं मुझसे, आपको जो अगर मन में आपके कुछ है कि मैंने चारकोल को कैसे बनाया है, अगर किसी ने मिस किया है स्किप किया तो वो आप शेयर कर सकते हैं जवाहर कला केंद्र के फेसबुक के मैसेंजर में। सर बहुत ही अच्छा सेशन था आज चारकोल पेंटिंग का। सर कुछ सवाल थे हमारे दर्शकों की तरफ से। अंबिका राठौर सर ये पूछना चाहती क्या आप कोई स्पेसिफिक GSM का पेपर यूज करते हैं आपकी ड्राइंग में? हाँ देखिए जब मैं बड़ी जो लार्ज साइज की पेंटिंग जैसा पीछे देख रहे हैं ये पेंटिंग मैंने 2013 में बनाई, मुझे अच्छी तरह याद है जब मेरा स्टूडियो गवर्नमेंट केंद्र में था ग्राफिक स्टूडियो जो पुराना था उसमें मैंने पेंटिंग बनाई थी, इसी में मैंने लिए 300 GSM का एक रोलर पूरा रोल मैंने खरीदा था 10 मीटर का, उसमें से मैंने पेपर काट कर ये मैंने पेंटिंग बनाई है और इसके अंदर मैंने 300 GSM का पेपर काम में किया। अब इस पेंटिंग के पीछे ये है कि टाइगर से मैं एज ए फोटोग्राफर ही हर कोई मिल सकता है, आप उसकी फोटोग्राफी करेंगे आप ले सकते हैं, लेकिन एज एन आर्टिस्ट माई फर्स्ट मीटिंग विद टाइगर, तो आप देख सकते हैं टाइगर के और मेरे बीच में जो मेरा मिट्टी का जो बावला आपने देखा है वो रखा हुआ है और ये टूल्स हैं वो नीचे रखे हुए हैं, और टाइगर शायद अपने आप को बचाने के लिए मुझसे या मेरे जैसे कई जो लोग हैं जो वाइल्ड लाइफ के लिए काम करते हैं रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज सेव मी। तो पेंटिंग के सबसे कहे कि एज एन आर्टिस्ट माई फर्स्ट मीटिंग विद टाइगर और मेरी शर्ट के अंदर सिर्फ शर्ट के अंदर टाइगर के ऊपर के वो टेक्सचर दिए। तो सवाल जो आपने पूछा अंबिका जी ने कि GSM का ये आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह के स्ट्रोक्स उसमें देना चाहेंगे, और 300 GSM का पेपर मैंने इस पेंटिंग में और पीछे जो 3x की पेंटिंग बनाई है इसमें मैंने काम में लिया और मैं यही पेपर काम में लेता हूँ, और ये मैं थोड़ा सा एक पेपर ही बाहर से मंगवाता हूँ और जो मेरे जो क्लाइंट्स आते हैं उनको मैं बोल देता हूँ और मुझे ये पेपर वहाँ से कुरियर कर देते हैं तो मेरी छोटी पेंटिंग काम में लेता हूँ। जी सर, सर जो आप बाउल में चारकोल यूज कर रहे हैं उसमें आप पानी या कुछ मिक्स करते हैं या वो डायरेक्ट चारकोल पाउडर है? बिल्कुल चारकोल पाउडर, मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ नहीं करना, अगर आप स्टेशन के बाद जब आप घर पर बनाने बैठेंगे तो
तो आप कंपैरिजन करेगा कि घर पे जो दिवाली पे जो दीपक जलाते हैं वो छोटे दीपक होते हैं, लेकिन आप ऐसा बड़ा दीपक ले सकते हैं उसमें पॉइंटेड वाली जो बाहर की तरफ जो दिए की बत्ती होती है निकाल के और ऊपर से थोड़ा सा गेप रखकर और उसको उस बत्ती के ऊपर बिल्कुल टॉप पे रख दीजिए। 20 से 25 मिनट या आधा घंटा छोड़ेंगे आप देखने लगेंगे मधुमक्खी के छत्ते की तरह बिल्कुल उसके अंदर चारकोल बनना स्टार्ट हो जाएगा। चारकोल बनने के बाद वो आपको ऐसे हार्ड फॉर्म में मतलब टुकड़े के अंदर दिखाई देगा, आप उसको ऐसे किसी बाउल में या फिर किसी डिब्बे में ले सकते हैं और सीधा सूखा अप्लाई करना है। आपको इसमें ना कोई घोल मिलानी है, ना कोई गम मिलाना है, कोई पानी मिलाना है, आपको सिर्फ न्यूज पेपर का ऐसा टुकड़ा लिया उसमें डिप किया। डिप करने से पहले बस आपके जो पेपर पे जो लगा है ब्रश पे लगा है पेपर होता है कि आपने ड्रिप किया और कितना सारा दिखा होगा आपको कोई नहीं है, मैं अगर आपको व्हाइट बैकग्राउंड के लिए दिखाऊं उसमें काफी सारा ऊपर ही लगा होगा, तो इसको आप पेपर पर साइड में ऐसे ब्रश की तरह साफ करके और फिर सामने ले। जी सर, सर कुछ व्यूअर्स ने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था तो वो ये आप जो ब्रश बनाते हैं पेपर से, एक बार सर इसकी विधि आप दोबारा बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए न्यूज़पेपर सबके घर में होता है, किसी के पास घर में इंग्लिश पेपर आता है जो अपने डेली जो पेपर होते हैं, लेकिन अगर मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि अगर आपके पास इंग्लिश न्यूज़पेपर है स्पेशली तो वो थोड़ा सा क्या अच्छा क्वालिटी का होता है, तो उसका एक ऐसा टुकड़ा लेंगे कि मैंने वापस पॉइंट बिल्कुल टुकड़े किए हुए देखिए बिल्कुल निकाला, बार बार आपको पॉइंट नहीं होती है, उसको वापस लिया और ऐसा पेपर इसको फोल्ड किया वन और फिर टू फिर थ्री ऐसे घुमाती रही है और एक फोर ये ऐसा बन गया, फिर ये एक हट वाला शेप बनने का देखिए ऐसे ही इसको यहाँ से पॉइंट किया, पॉइंट करने के बाद आधा इस तरफ और आधा इस तरफ और ये पेपर प्लेन जो बनाते थे बचपन में ऐसा, इसको फिर यहाँ से पॉइंट को हल्का सा प्रेस करके इसको फाइन बनाना है, हल्का सा स्ट्रेच पेपर पे घिसकर इसको सीधा अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है, आप सिर्फ थोड़ा सी अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज को वापस फ्लैशबैक में जाइए और आप जिस तरह से पेपर प्लेन बनाते वो पेपर प्लेन बनाकर और आप ऐसा ही बना सकते हैं, डिपेंड ऑन कि आपके पास बड़ा कैनवास है कितनी बड़ी पेंटिंग है, अब कितनी बड़ी पेंटिंग में अगर इतना छोटा ब्रश ना हो सकता है मुझे कितना सा पार्ट कवर करने में 2 से 3 दिन लग जाए, तो मैं फिर वापस बड़ा पेपर लेता हूँ जैसे कोई बड़ा पेपर को काम में लिया उससे बड़े बड़े स्कोप लगा। सर जो चारकोल पाउडर है वो मार्केट में इजीली अवेलेबल हो सकता है अगर कोई रेडीमेड लेना चाहे तो? हाँ मिल सकता है लेकिन उसमें डिफरेंस है, देखिए एक क्वालिटी अगर जैसे कि मैं क्वालिटी में बिलीव करता हूँ हर कोई क्वालिटी में बिलीव करता है, तो मार्केट से जो लेंगे वो शायद वो चिमनियों से निकला हुआ चारकोल हो या इतना फाइन नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे जो चावल का जो पाउडर होता है इसको आरा रोट बोलते हैं वो इतना फाइन होता है अगर आपको हाथ में रखेंगे ना तो बिल्कुल ऐसे वो बहुत स्मूथ होगा, ये भी इतना ही है, मैं इसको अगर दूंगा हाथ में ये देखिए जो क्वालिटी है हाथ में लेने के बाद इसकी जो क्वालिटी है बिल्कुल स्मूथ है, आप जब इसको पेपर पर लगाएंगे कैनवास पर लगाएंगे आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि मैं किसी चारकोल को एक ड्राई फॉर्म में लगा, इसलिए मेरा सजेशन सबसे यही है कि आप सेफ्टी से अपनी मम्मी से या नानी या दादी से आप मदद लेकर कि पहले तो चारकोल को बनाते हैं कैसे बनाते हैं उसको लैम्प लाइट भी बोलते हैं, लालटेन है आप लालटेन भी काम में ले सकते हैं अगर आपके पास दीपक नहीं है, पुराने अगर आपका लालटेन हो उसमें जलाइए उसमें जो कांच का जो गोला होता है उसमें आप देखेंगे अंदर की तरफ को जमा होना स्टार्ट हो जाता है, आप सेफ्टी उसको निकालिए कपड़े से साफ करके डिब्बे में वो ही फाइन चार बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है, मार्केट में काफ़ी सारे केमिकल्स और थोड़ी बहुत रेत वगैरह हल्के से दाने वगैरह उसमें आते हैं, मैंने पहले काफ़ी काम किया लेकिन जब नहीं होता तो मैंने वो काम भी लिया, लेकिन आप ये बना सकते हैं और सबसे आसान तरीका लालटेन, लालटेन दोषी भी होगी और आराम से आपके चारकोल भी बन जाएगा। सर कोई स्पेसिफिक टूल्स आप यूज करते हैं या फिर जैसे आपने अभी कागज से जो निब बनाया वही काफी होता है एक चारकोल पेंटिंग के लिए या कोई और टूल्स भी आप यूज करते हैं जब आप एक बड़ा पेंटिंग बनाते हैं तब? मेरे जो पेंटिंग्स में जैसे इस पेंटिंग में कहीं भी किसी भी तरह की चारकोल पेंसिल और जो अदर टूल्स है जैसे मैंने आपको भी स्टंप्स बताए थे, ये तो कई बार मैं जब क्लासेस लेता हूँ
स्कूल्स में या कॉलेजेस में, तो कई बार सवाल करते हैं कि स्टंट्स से कैसे भी ब्लेंडिंग कर सकते हैं, लेकिन मेरा दिमाग में हमेशा ये रहता है कि मैं अपनी पेंटिंग में 100% सिर्फ पेपर ही काम में लूँ और वो पेपर ही मैं अखबार को बार बार फोल्ड कर सकती है। मुझे कई बार तो मेरे जो अपना जो डस्टबिन होता है वो इतना भर जाता है बिल्कुल कि मुझे वापस वो बदलना। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका चारकोल पेंटिंग के ऑनलाइन लर्निंग सेशन लेने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर सवाई माधोपुर से हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल बार को हम मिलेंगे शाम को 6:30 बजे रिकॉर्डेड लाइव सेशन में, जो कि एक आर्ट टॉक है एक्सप्रेसिंग विद डूडल आर्ट आशिमा कुमार जी के साथ। तो कल हमारे साथ शाम को 6:30 बजे जुड़ना ना भूलिएगा। जिन्होंने मुझे ऑनलाइन सेशन के लिए इनवाइट किया, एंड थैंक यू सो मच किरण सोनी मैम इस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सर।